तो हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। आज आए हैं हम श्री राम जी की कुल देवी के मंदिर, और हमारी फैमिली की भी कुल देवी ही है, देवकाली के मंदिर आए हैं हम आज। तो किसी को अगर यहाँ पर आना हो, देवकाली की सिटी भी है, मतलब जगह भी है यहाँ पर अंदर, तो आके वो इतना शोर है यार, तो आके वो सर्च कर सकता है देवकाली। और हाईवे से आ रहे हो तो पंचशील है, उसके लेफ्ट साइड से अंदर लेकर ही रास्ता है। अब मैं दिखाता हूँ देवकाली का फ्रंट व्यू, देवकाली का मंदिर, और राम जी के कुल देवी यही हैं। तो उसके बाद झाकर ही कुछ हुआ है, ऐसा लाइक ब्लॉग बना रहे लोग ऐसे घूमने लग जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया। ये है पूरा देवकाली का मंदिर, देखो कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ, पार्किंग का भी सारा है इंसान, और यहाँ का कुंड है। चलो पंडित जी, देवी माँ की मूर्ति स्थापित किसने की थी और कब की है ये मूर्ति? ये राजा रघु के जमाने की है। राजा रघु, अच्छा, राम के पिता थे। हाँ हाँ। और ये जान लीजिए बहुत पुरानी मंदिर है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कुल देवी, तीन रूप में दर्शन, दो जगह, एक अपनी है, एक सिला में तीनों हैं, और वैष्णो देवी में काम करने के अलग अलग पिंडी रूप में है। ये राम की कुल देवी और छोटी देवकाली जो है, छोटी देवकाली जो है वो काम माता जानकी की कुल देवी। अच्छा। अपने सबके यहाँ जब विवाह शादी या मुंडन होता है, पहला मुंडन माई के यहाँ, पहला स्थान जो है माई के यहाँ, चाहे विवाह हुआ, चाहे शादी हुआ, चाहे बच्चे हुए, चाहे जो भी हुए, पहला दूर दूर के लोग सब लोग यहाँ दर्शन कराने लाते हैं बहुओं को, और बच्चे होते हैं तब भी। और ये आज नहीं है, 17 पीढ़ी हम लोग की चल रही है। अच्छा जी, केवल अच्छा। हम लोग के अंदर में माता जगत जननी सेवा सब जगत है, लेकिन अपने अंडर में जो माता जगत जननी मिली है 17 पीढ़ी हम लोग की चल रही है। अरे वाह। पिताजी के पिताजी, फिर उनके पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी के पिताजी, ऐसे चले जाएंगे 17 पीढ़ी जी। अब आप मनोकामना जरूर अवश्य माई पूर्ण करेंगे, सुबह शाम आप नाम लेते रहिए इनका, लेते रहते हैं वो तो जी, चलते रहता है आवास। ठीक है, सभी की कृपा इतनी भारी है, जान लीजिए सब ऊपर ये माता दृष्टि बनाती बनाए रहती रहती रहेंगी, जब मिल जाएगा तो ये सेवा आपको बताएंगे, अवश्य माई जाप आपको देगी। ठीक है, और सेवा आप जब भी आओगे तब भी माई दरबार जैसे ये है वैसे बना रहेगा। ठीक है, तो मेरा खुद का मुंडन भी यही हुआ हुआ है इसी मंदिर में, हमारे सब हमारे भी कुलदेवी, जैसे आपने पंडित जी सुना श्री राम की तो कुलदेवी है ही है, हमारे भी परिवार के ये, और तो बस सब परिक्रमा कर रहे हैं, फिर जाते हैं बाहर, आपको यहाँ के व्यूज़ दिखाते हैं ड्रोन से। तो मंदिर तो बहुत सुंदर है, आज सैटरडे भी है, शनिदेव जी का मंदिर भी है, दर्शन कर लेते हैं एक बार। उसी रूप में राम जी को सलाम लेने की आयु में अपने महल से यहाँ लाई थी प्रभु को दर्शन कराने।
और ये माता जी माँ बड़ी देवकाली जी हैं, ये इनके पूर्वजों द्वारा स्थापित की हुई कुल देवी है राजा रघु जी के द्वारा बसाया गया है। कैसे क्या हुआ था तो यार, मैं तो सबको ये अर्ज करूँगा, कोई अयोध्या आता भी है ना सपोज़, तो सिर्फ और सिर्फ अयोध्या ही सब कुछ नहीं है, मतलब राम मंदिर सब कुछ नहीं है। राम मंदिर तो आप आओ दर्शन करो, उसके अलावा भी पूरी अयोध्या अगर आप घूमोगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे देवकाली का मंदिर हो गया, उसके अलावा यहाँ पर गुप्तार घाट है, और भी यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है, छोटे देवकाली बड़े देवकाली, जैसे अपने लोगों से पूछा तो मैं तो कहूँगा कि आप आओ तो हर जगह घूमो, यहाँ पर तो ज़्यादा बढ़िया ना, यहाँ पर घूमोगे तो इसलिए देखो कितना सुंदर लगता है यार ये मंदिर, तो कितना सुंदर है लिखा ना। नहीं करेगा, चेक कर रहा है वो कि क्या चीज है कि बोले भैया मुझे ड्रोन उड़ाना सिखाओ। भाई हवा चेक करो भाई, हवा नेक्स्ट लेवल, हवा विंड टेस्ट हो रहा है। कोई नहीं, जा रहा है, बोर हो गया, कुछ खाने का नहीं इनके पास। फॉर नॉन हिंदूज, नाइस। तो ठीक है, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं जस्ट अभी, और ये यहाँ का कुंड है, ऐसे अभी दिखा था स्टार्टिंग में, बाकी भी शॉर्ट्स होप सो सबको अच्छे लगे होंगे देवकाली के, और अगर यहाँ पर आओ तो ज़रूर और मत हटेगा यहाँ पर मेरे हिसाब से। तो देखिए एक प्लेट से 20 रुपये दिखाओ, बढ़िया। तो भाई हम लोग वापस आए अयोध्या तक, एक बार देवकाली से अयोध्या हार्डली 5 किलोमीटर है, तो वापस आए थे हम इस तरफ कि देखें अगर चार चार डे हनुमानगढ़ी दर्शन हो पाए तो कर लेते हैं, मम्मी आए थे। अब तुम्हें एक बात, मतलब एक चीज़ दिखा दो तुम लोगों का, मतलब जस्ट देखना कि दर्शन कैसे हो पाएंगे। भाई जहाँ से शुरू है भीड़ लाइन, ये पूरी लाइन ही चलती आ रही है यार हनुमानगढ़ी की, मतलब यहाँ चल रही है एक से, देखो यहाँ तक नज़र आ रही है ना आपकी लाइन, ठीक है। और इसके भी अलावा पीछे दिखाता हूँ, पूरी आगे तक भीड़ ही भीड़, मतलब यार हनुमानगढ़ी तो मैं ऐसे नॉर्मल दर्शन करने आता था, और इतनी भीड़ है सारे डे को आज की हद नहीं, इतनी भीड़ है तब भी दर्शन करने हम आए गए। अभी दिखाता हूँ भीड़, भाई भी अभी बातचीत, इतनी भीड़, मम्मी और मैं तब भी आगे आगे दर्शन कर लिया हमने फटाफट, अब आपको भी दर्शन करता हूँ सारा लेके बजरंग बली महाराज जी। जय हो बजरंग बली महाराज, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। यहाँ पर ईटे देखो कितनी बढ़िया यार, मतलब बारीक बारीक ईटे से बनाओ सारा, मोटी मोटी ये मंदिर का ही सारा परिसर है। ये देखो मंदिर की बैक साइड, तो भाई दर्शन हो गए हनुमानगढ़ी के, जब जहाँ चाह वहाँ राह वाली बातचीत है। इतनी भीड़ थी, लगा रहे दर्शन हो गए, बट यस आज भी हो गए दर्शन, तो आई एम सो हैप्पी इन दिस थिंग। भीड़ देखो भाई, चलती भीड़ है पूरी, पर भीड़ कम नहीं हो रही, तो ये तो फायदा होता है यार, यहाँ पे कुछ पता, क्योंकि अगर नॉन टू होगा कोई उसको पता होगा पहले से, तो वही आपको जा सकते हैं ऐसे साइडों साइडों से, इसको पता हो थोड़ा बहुत भी। चलो फिर मिलते हैं भाई, भीड़ देखो यहाँ पर इतनी ज़्यादा, शायद वीकेंड है इसलिए अंकल जी रोड पे आके मार, देखो भीड़ देखो एक बार, राम मंदिर गेट आ गया, राम जन्म भूमि पीछे यहाँ पर चौक के पास मंडी है फल फ्रूट की, फल होल सेल शॉप्स की, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह की, पान के सामान की, सब कुछ है, टोटली देसी। बनारस में तो मलाइयों खाया है बहुत, अयोध्या में मलाइयों दे रहे अंकल,
फटाफट खा लेते एक बार मलाई। तो भैया आज की ही मेरी ट्रेन है, जस्ट मैं घर पे आऊँ अभी, और ट्रेन है बस निकलने वाला हूँ यहाँ से। तो व्लॉग ही एंड करते हैं, घर चले जाएंगे शाम को और क्या। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कहीं और घूमने जाता हूँ, कोई और अच्छी जगह दिखाता हूँ, मतलब खुद भी देखता हूँ आपको भी दिखाता हूँ। तो होप सो सबको अच्छे लगे होंगे राम मंदिर के दर्शन, और ये पूरी सीरीज़ मतलब ये वाला 2024 राम मंदिर वाली सीरीज़ पूरी देखना मत भूलना, जो लास्ट एपिसोड देखे वो सारे भी देखना बाकी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक कमेंट करना, बाय बाय।